श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी यह भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरिए को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ जाते हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे वो पढ़ाया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर दूर हो वो पर आया। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है। एक रिश्ते को बनाने में मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बसरते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्के सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन की भावना की खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मारपीट मार मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिया एवं सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वो सभी बातें करते हैं जिन्हें वो अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वो एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आती रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशियां अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ दो पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कह दे कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हम एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में जैसे कि आपकी बहन भाई माता पिता और रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें हरदम एकजुट रहना चाहिए ताकि हम मुश्किल हालात में हार ना माने। एक रिश्ते में दुनिया आती जाती रहती है, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है।
वो दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है। अंत का जश्न मनाए क्योंकि वो नई शुरुआत से पहले होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है, टूटे हुए दिल का होना इसका मतलब है कि हमने किसी चीज के लिए प्रयास किया है। यदि यह तुम्हें नष्ट कर रहा है तो यह प्रेम नहीं है। यह खराब रिश्ता आपको उस समय की तुलना में अधिक अकेलापन महसूस कराएगा जब आप अकेले थे। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। केवल उन पर भरोसा करें जो आप में निम्न तीन बातें देख सके: आपके हंसी के पीछे का बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है, यदि आप लोहे की ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर के अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन है, तो कुंदन बनकर निकलेगा, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा, और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है, सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंध पूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी, और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगी। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था। इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से दरुण विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को डोट ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गया गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर भी उसने धनुर्विद्या को पूरे लगन से सीखने का प्रयास किया। उसने मिट्टी से गुरुद्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरुद्रोण पांडव पुत्र कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वो पांचों पांडवों को डोट लेकर जंगल में गए। एक कुत्ता भी उसके साथ था। जंगल में जाकर कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरुद्रोण की प्रतिमा के सामने धरुण विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं है। कुत्ता जब गुरुद्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो उसको देखकर दंग रह गए। वो उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने ध्रुवध्या का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा उसने ही बंद किया है? तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसके धर्म विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एक लंबे ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वो निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा।
इसलिए उसके गुरुद्रोही है और जो कुछ भी सीखा है उनके ही सानिधि में सीखा है। गुरुद्रोह में एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वो जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुवार आप जो कहें मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूँ। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी ही सहायता से वह धनुष बांध चला। पाते गुरु द्रोण के अंगूठा मांगने के पीछे की मंशा ये थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर ना बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही थरूर विद्या का अभ्यास करने लगा और उसमें भी निपुण हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।